हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना और बेल के आइकन को जरूर से हिट कर देना, साथ ही शेयर कर देना ग्रुप्स में और लाइक जरूर से कर देना। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं UPRVNL AE के बारे में। तो इसमें अभी हाल में ही इसका जो रिटन एग्ज़ाम हुआ था और काफ़ी जो सब्सक्राइबर हैं वो इसका फीडबैक मांग रहे हैं कि कितना जो है स्कोर जाने वाला है कट ऑफ का। तो जो टाइम हमने लिया है, ठीक है, तो उस टाइम के बाद जितना हमारे पास डाटा है उसके बेसिस पे मैं आपको जो है हर एक ब्रांच की कट ऑफ बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इलेक्ट्रिकल की बात कर लेते हैं, तो इलेक्ट्रिकल की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिकल में टोटल जो वैकेंसीज़ हैं वो 29 वैकेंसीज़ हैं। और अगर UR की कट ऑफ की बात करें हमारे डाटा के हिसाब से, तो UR की कट ऑफ जो जाने वाली है वो 129 से लेके 131 जाने वाली है। OBC की अगर बात करें तो OBC की कट ऑफ जाने वाली है 125 से लेके 127। SC कैटेगरी की अगर हम बात करें तो 117 से लेके 119, ठीक है। ST की कोई सीट नहीं है, ठीक है, कोई सीट नहीं है तो कोई कट ऑफ भी नहीं होगी। और EWS की अगर हम बात कर लेते हैं तो EWS की जो कट ऑफ जाने वाली है वो 120 से लेके 122 जाने वाली है। अब बात करते हैं मैकेनिकल की बात कर लेते हैं। तो मैकेनिकल की जो वैकेंसी थी, ठीक है, मैकेनिकल की जो वैकेंसीज़ हैं वो 62 पोस्ट हैं। और जो डाटा है उसके अकॉर्डिंग UR की जो कट ऑफ जाएगी, UR की कट ऑफ जाने वाली है 154 से लेके 156, ठीक है। इसके अलावा OBC की अगर हम बात कर लेते हैं, OBC की अगर हम बात करते हैं तो OBC की कट ऑफ 147 से लेके 149 तक जाने वाली है। यही मार्जिन रहने वाला है, बाकी आप एक दो नंबर इधर उधर मान सकते हैं मार्जिन के लिए और अपनी तैयारी जारी रख सकते हैं। बाकी जो डाटा है उसके अकॉर्डिंग यही कट ऑफ रहनी चाहिए, रेंज यही रहनी चाहिए। और SC की अगर हम बात कर लेते हैं मैकेनिकल में, तो SC कैटेगरी की 140 से लेके 142 कट ऑफ रहने वाला है। ST की अगर हम बात करें तो ST में कोई सीट है नहीं तो कोई कट ऑफ भी नहीं बनेगी। EWS की अगर हम बात कर लेते हैं मैकेनिकल में, तो EWS की 153 से लेके 155, ठीक है, ये कट ऑफ रहने वाला है EWS का। अब नेक्स्ट बात करें हम तो EC की बात कर लेते हैं, ठीक है, EC में इलेक्ट्रॉनिक्स में, ठीक है, EC की अगर हम बात करें तो EC में UR की कट ऑफ जो जाने वाली है जनरल कैटेगरी की, और इसमें जो वैकेंसीज हैं, ठीक है, 17 पोस्ट हैं, ठीक है, 17 सीट हैं। और UR की जो कट ऑफ जाने वाली है वो 155 से लेके 157 जाने वाली है। OBC की अगर हम बात करें तो OBC में 140 से लेके 142 जाने वाली है। SC कैटेगरी की अगर हम बात करें तो 131 से लेके 133 जाने वाली है। ST की हम बात करें तो कोई सीट है नहीं इसमें, ठीक है। और EWS की अगर हम बात कर लेते हैं, ठीक है, तो EWS की 151 से लेके 153 जाने वाली है। तो ये हो गया। इसके अलावा सिविल की अगर हम बात कर लेते हैं, सिविल, ठीक है, तो सिविल में 12 सीट हैं और सीट ज़्यादा नहीं है। तो UR की जो कट ऑफ जाने वाली है वो जाने वाली है 135 से लेके 137, ठीक है, इसके बीच में रहने वाली है। OBC की अगर हम बात कर लेते हैं तो OBC में 127 से लेके 129 कट ऑफ जाने वाली है। SC कैटेगरी में जो रहने वाली है वो 117 से लेके 119 रहने वाली है। और ST कैटेगरी में कोई सीट है नहीं तो इसकी कोई कट ऑफ भी नहीं है। और EWS के लिए जो रहने वाला है वो 126 से लेके 128 रहने वाला है। और CS की अगर हम बात कर लेते हैं, कंप्यूटर साइंस, ठीक है, कंप्यूटर साइंस में जो वैकेंसीज हैं वो 5 हैं और UR की जो रहने वाली है वो 120 से लेके 122 रहने वाला है कट ऑफ। और OBC की अगर हम बात कर लेते हैं तो 116 से लेके 118 रहने वाला है। और ST में और EWS में कोई वैकेंसी नहीं है तो इसको कोई मतलब भी नहीं है। और SC की अगर हम बात करें तो 111 से लेके 113 के आसपास जो है कट ऑफ रहने वाला है। तो
तो ये सभी ब्रांचेस का कट ऑफ मैंने बता दिया है, ठीक है, बाकी वेट करते हैं। वैसे यही जो रेंज है, ठीक है, यही रेंज है। बाकी मैकेनिकल में आपको मैं बताने वाला हूँ कि मैकेनिकल में आप 2-3 नंबर कम मान सकते हैं, ठीक है, क्यों? क्योंकि मैकेनिकल में 2 शिफ्टों में एग्ज़ाम हुआ है और सारा कुछ जो डाटा है, ठीक है, सारा कुछ जो डाटा है वो डाटा जो है तभी सामने आएगा जब नॉर्मलाइजेशन आपके सामने होंगे, ठीक है। तो नॉर्मलाइजेशन के बिना प्रेडिक्ट करना, लेकिन जो एक्सपेक्टेड डाटा मुझे मिल, जो डाटा मुझे मिल रहा है उसके हिसाब से एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो रहने वाली है, ठीक है, वो इतनी रहने वाली है। बाकी मैकेनिकल में आप जो है 3 मार्क, अगर 3 मार्क कम भी लेके आ रहे हैं, ठीक है, तो आप जो है मार्जिन लेके चल सकते हैं 3 नंबर का, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी, लेकिन इससे 2-3 नंबर कम जा सकती है। तो मैकेनिकल के केस में केवल ये बात मैं बोल रहा हूँ, मैकेनिकल में सीट भी ज़्यादा है, मैकेनिकल में 62 पोस्ट हैं, हालांकि मैकेनिकल जिस तरह की ब्रांच है तो उसके हिसाब से ऊँट के मुँह में जीरा है, लेकिन फिर भी वैकेंसीज सबसे ज़्यादा जो है मैकेनिकल की हैं। तो मैकेनिकल में आप जो है 2-3 नंबर का मार्जिन ले सकते हैं, ठीक है, 2-3 नंबर का मार्जिन ले सकते हैं। तो आप मान सकते हैं कि 154 मैंने वहाँ पे बताया है, लेकिन 154 के अलावा अगर आपको 151 भी आ रहा है, ठीक है, 151 आ रहा है, ठीक है, 150 भी अगर आ रहा है आपका UR में, तो आप तैयारी अपनी चालू रखिए, ठीक है, उसका नुकसान आपको नहीं होगा, फ़ायदा ही होगा, ठीक है। और बाकी देखते हैं नॉर्मलाइजेशन के बाद कैसा सब कुछ सीन रहता है। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और शेयर ज़रूर कर देना। बाकी मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।